हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। हमारे विनोद गुप्ता जी को ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा, विनोद गुप्ता जी के टीम को बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा कि भोजपुरी अवार्ड्स को 14वें साल तक उन्होंने लाया है। वही प्रथम शख्स थे जिन्होंने अवार्ड, भोजपुरी अवार्ड फंक्शंस जो शुरू किए, और सचमुच ये बड़ी बड़ी गर्व की बात है, बहुत ही साहस की बात है कि आज 14वां साल है भोजपुरी अवार्ड्स का। तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर विनोद गुप्ता एंड हिज टीम। संघर्ष तो लगभग सारे अवार्ड्स में बाजी मार चुकी है, वो सबरंग हो या फिर कोलकाता अवार्ड्स हो स्टेज एंड स्क्रीन वाला, या फिर अभी सिंगापुर में था तो सिंगापुर में भी हम लोग कम से कम 6 कैटेगरीज में हम लोग नॉमिनेट भी हुए और जीते भी। तो संघर्ष हर जगह अपने अपने कैटेगरीज में, जो जो ज्यूरी मेंबर्स समझते हैं कि जिस जिस कैटेगरीज में संघर्ष को अवार्ड मिलना चाहिए वो अवार्ड मिल ही रहा है, और संघर्ष ने तो बाजी बॉक्स ऑफिस पे मार ही चुकी है। अभी ऐसी कोई भी ये कहूँगा नहीं या बहुत जल्दी मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन हाँ हम लोग बिल्कुल प्रोडक्शन हाउस और सारे लोग मिलके हम लोग ज़रूर सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द संघर्ष टूर का हम लोग आगाज़ करें। जी अभी हाल ही में मेरा चिंटू जी के साथ में दोस्ताना आ रहा है, और चिंटू जी के साथ में और 2-3 फिल्में हैं, और ये दोस्ताना के पहले मेरी 2 फिल्में रिलीज पे है, विजेता और कलाकार कल्लू जी के साथ में। सर यूं ही अपना प्यार बनाए रखे और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा कहता हूँ लिखता हूँ तो ज़रूर आपको वो एक नया फ्लेवर मिलेगा, एक नई चीज़ मिलेगी जो आज तक भोजपुरी समाज जिससे अनछुआ था लेकिन माटी की खुशबू में रह के। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।